जय हिंद। यूजीसी की तरफ से नहीं बल्कि एनटीए की तरफ से पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। इस विषय में इंट्रोडक्शनात्मक वीडियो आपको मिल चुका होगा आज दोपहर के आसपास में, और आप में से सैकड़ों बच्चों ने उसको देखा भी होगा। उस वीडियो से पूर्व की भूमिका को लेकर भी एक वीडियो बनाया था, उसको भी आपने देखा होगा, 1.5 महीने पहले का। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनटीए ने पीएचडी के जो फॉर्म निकाले हैं उसके थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर। लगभग 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और ये एनटीए की पीएचडी 2023 के सीरीज़ का दूसरा वाला वीडियो आप देख रहे हैं। पूर्व के वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, पूर्व के वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा, आपकी जानकारी और पुष्ट हो जाएगी। वीडियो को देखिएगा कम, सुनिए और समझिएगा ज़्यादा। पहली बात, 4 विश्वविद्यालय कौन से हैं जान लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इन शॉर्ट में इनको DU, JNU, BHU, BBAU कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, 10 हो गई है ना, छोड़ देते हैं। तो आज से आप फॉर्म को फिलअप करना चालू कर दीजिए। वैसे तो इत्तेफाक से 9 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो गया है, लेकिन वीडियो 10 तारीख को शूट हो रहा है तो आज फॉर्म भर दीजिएगा। और साथ ही साथ में 8 सितंबर 2023 रात्रि 9 बजे तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 8 सितंबर 2023 रात्रि 9 बजे तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ में 8 सितंबर 2023 रात्रि 9 बजे के बाद फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, केवल रजिस्ट्रेशन की जो फीस है फॉर्म की वही सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और फीस सबमिट करने की डेडलाइन है 8 सितंबर 2023 रात्रि 11:50 तक, ठीक है। एक्सटेंड डेट होगी तो बता देंगे आपको, नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अब कुछ और बातों को जान लीजिए। कौन सी कुछ बातें हैं उसको हम आगे हम चीज एक एक करके आपको बता देंगे। देखिए, लंबा चौड़ा वीडियो है, क्या क्या बताने वाला हूँ ये मैं आपको पहले नहीं बता पाऊँ क्योंकि प्रोस्पेक्टर लगभग काफ़ी डिटेल में पूछा दिया गया है, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग और बात करते हैं। बकवास कम करेंगे, बात ज़्यादा करेंगे। सबसे पहली बात, CBT मोड पे होगी प्रवेश परीक्षा, लेकिन उससे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि JNU और DU के फॉर्म तो निकले हुए हैं और बाकायदा अभी कल ही यानी कि 8 तारीख को ही DU की लास्ट डेट खत्म हुई है और JNU की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये कौन से नए फॉर्म आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सवाल आना चाहिए आपके मस्तिष्क में यदि भेजा या दिमाग है तो, ठीक है, यानी कि सोचने की क्षमताएं यदि शेष रह गई है तो आज के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में, क्योंकि जो JNU और DU के फॉर्म आए हैं वो नॉन नेट बच्चों के लिए नहीं है। अब ये क्लियर हो गया है जब ये आज का नोटिफिकेशन आया। कल भी मैंने दो वीडियो, एक वीडियो अपलोड किया था कि हो सकता है भविष्य में फॉर्म आए DU की वेबसाइट पर, JNU की वेबसाइट पर, उन बच्चों के लिए जिनका नेट JRF गेट सेट ICHR ICFF फेलोशिप नहीं है, लेकिन वो भ्रम टूट गया। अभी जब नया नोटिफिकेशन आया इसमें क्लियर है कि जिन बच्चों का नेट नहीं है, JRF नहीं है, गेट सेट नहीं है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का JRF वो फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे उसका ऑप्शन इसमें एग्जैक्ट मेंशन नहीं है उस तरीके से, लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तब कौन कौन से ऑप्शन आएंगे उसकी हम बात करेंगे तीसरे वाले वीडियो में, तब ये क्लियर हो जाएगा कि क्या JRF और नेट वाले बच्चे इस फॉर्म को भी भरेंगे या केवल नेट विदाउट वाले बच्चे भरेंगे, ठीक है। इसके हम बात अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बतला पाना मेरे लिए संभव है, आपके लिए समझ पाना शायद मुश्किल हो कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पेपर आपका सब्जेक्ट MCQ होगा, CBT मोड पर पेपर होगा, कंप्यूटर पर जाना है, पेपर देना है, और डेमो आपको यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे और NTA की वेबसाइट पर भी डेमो क्लासेस फ्री है, उसको आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफाई और रिसर्च मेथोलॉजी के 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे की प्रवेश परीक्षा होगी विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया क्या है, +1 है, +3 है, +4 है, 1.5 है, इसकी बात हम आगे करेंगे डिटेल में, ठीक है। और पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, ठीक है, खासकर जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, हो सकता है बाइलिंगुअल आ जाए, और जो बच्चे लैंग्वेज के हैं उसका पेपर उसी के लैंग्वेज में आएगा, उस साइंस का पेपर ओनली फॉर इंग्लिश में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आवेदन आप कर सकते हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, ऐसे बच्चे जो कॉमन पेपर इसमें कुछ दिए गए हैं, कॉमन सब्जेक्ट है जिनकी संख्या 24 है, और कॉमर्स एंड फाइनेंस के इसमें 3 सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर के 8 सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज़ के इसके अंदर लगभग, हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के इसमें 12 सब्जेक्ट दिए गए हैं, लैंग्वेज के 19 सब्जेक्ट हैं,
साइंस के 32 सब्जेक्ट हैं, इसका ध्यान रखिएगा, और लगभग 100 के आसपास सब्जेक्ट हैं, यानी कि 100 विषयों में आवेदन के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। और एक बच्चा कितने फॉर्म भर सकता है, और एक बच्चा कितने सब्जेक्ट में आवेदन कर सकता है, और एक बच्चा कितनी यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकती है, जानकारी मैं आपको आगे बता दूंगा अभी फीस के साथ में, ठीक है। ये जानकारी थी। अगली बात कि हाँ, 4 नंबर का होगा आपका एक क्वेश्चन, अगर सही देते हैं जवाब, और यदि और आप मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन हैं, आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, तो 80 चौके कितने होते हैं, 8, 16, 160 नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन उन 80 क्वेश्चनों में से मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 80 क्वेश्चन आपने करे है ना, और उन 80 क्वेश्चनों का टोटल स्कोर बनता है कितना, 160 है ना, तो उस 160 में 80 में से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो माइनस आपके 160 में से 10 कर दिए जाएंगे और आपका टोटल स्कोर बनेगा 150, ठीक है, यानी कि 1/4 का माइनस मार्किंग रखा गया है। दूसरी चीज, यदि कोई ऐसा सवाल है जिसके आंसर के ऑप्शन एक से ज़्यादा है, मान लीजिए कोई सवाल है उसके आंसर आपको लगता है कि ए बी सी डी में से ए और सी सही है, किसी को लगता है बी और डी सही है, किसी को लगता है चारों सही है, यदि ऐसी कंडीशन आती है किसी सवाल के साथ, ऐसा अगर NTA को भी लगता है, तो उस कंडीशन में उस सवाल के चाहे आपने एक जवाब पे टिक करा हो या दोनों पे टिक करा हो, उस कंडीशन में आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई सवाल जिसका एक ही जवाब सही है लेकिन आप दो ऑप्शनों पर टिक कर, वैसे तो नहीं होगा ऐसा, 90% नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि एक सवाल का एक ही ऑप्शन सही है लेकिन आप दो जवाब देते हैं, उस कंडीशन में आपको माइनस मार्किंग मिलेगी या माइनस मार्किंग दी जाएगी, इसका ख्याल रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज की जो आपके एग्जामिनेशन है वो एक दिन में 2 शिफ्ट में करवाए जाएंगे, मॉर्निंग में और इवनिंग में, साथ ही साथ में 4 दिनों तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। डेट अभी नहीं आई है वेबसाइट पर, इसका ख्याल रखिएगा, लेकिन यही बताया गया है कि 4 दिन तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। पहली और दूसरी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम रखे गए हैं। डे 1 की पहली शिफ्ट में किस किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि डिपार्टमेंट के, और डे 1 की ही दूसरी शिफ्ट में किस किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, ये 4 शेड्यूल वेबसाइट पर दिया गया है प्रॉस्पेक्टर में, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं सबको पढ़ के समझाऊँ इसको लिए 5 मिनट का वीडियो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 1.5 पेज का पूरा शेड्यूल दिया गया है सब्जेक्ट की शिफ्ट वाइज में, इसको आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि टेक्निकल एरर के कारण, किसी भी तकनीकी समस्या के कारण आपका सिस्टम हैंग हो जाता है किसी सवाल का जवाब देने में, या फिर कोई और समस्या आती है, उस कंडीशन में वो आपका एग्ज़ाम वहीं से रीसेट कर दिया जाएगा या हो जाएगा, इसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि आपका एग्ज़ाम कहीं रुक गया, हैंग हो गया, ठीक है, ये व्यवस्था की जाएगी। एक और चीज़ कि अपना सब्जेक्ट को कोड को थोड़ा सा ध्यान से भरेंगे तो अच्छा रहेगा, और दूसरी चीज़ इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, कि कई बार ये होता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तो यही कहता है, बता दें, सुन लीजिए, कि जिन बच्चों की एज 35 या उससे प्लस है उनको छात्रवृत्ति से मरहूम या नजारत रख दिया जाएगा, और कुछ विश्वविद्यालय ने इस नियम को लागू भी कर रखा है, लेकिन इस वाले नोटिफिकेशन और इन 4 विषय फॉर्म इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि जिन बच्चों की एज 35 या उससे ज़्यादा है उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। वैसे तो छात्रवृत्ति का मामला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हाथ में है, या उससे कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के हाथ में, अफेयरेंस नहीं, गृह मंत्रालय के हाथ में है, क्योंकि 0.6% तो रह गया है शिक्षा का बजट, है ना, 2022-24 का ये आंकड़ा, 22-23 का आंकड़ा यही तो कहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे रिजर्वेशन की, जो पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो लागू होते हैं, जनरल कैटेगरी का EWS का है 10%, है SC का इसमें वही 15%, ST का 7.5%, PWD का 5%, अगर आपका PWD 40% या उससे ज़्यादा है, और OBC नॉन क्रीम का 27% रखा गया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GO यानी कि ऑर्डर कहता है, ध्यान रखिएगा। और रूल्स एंड रेगुलेशन 2018 का नॉर्म्स इस पर लागू होगा, यानी कि जो जुडिशियल ही होगा कोई मामला घटता है तो, और PhD का ऑर्डिनेंस 22 और 23 इस पर लागू होगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग रखेगी जैसा आपके पहले समझाया गया है। सीटों को लेकर कि JNU में कितनी सीट है आपको बताई जा चुकी है, DU में कितनी सीट है आपको ये भी बताई जा चुकी है, ठीक है। DU को लेकर थोड़ा सा समस्या ये कि DU में जो सीटें आई हैं वो टोटल सीटें आई हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में लगभग 30 से 35 सीटें आई, तो उसमें ये मेंशन क्लियर नहीं है कि नेट और विदाउट नेट के बच्चों पे कितनी कितनी सीटें डिवाइड की गई हैं, ठीक है, वहाँ टोटल सीटें देखें, लेकिन JNU वाले ऑप्शन में यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर में ये क्लियर मेंशन है कि कितनी सीटें एंट्रेंस के बेस पे हैं और कितनी सीटें नॉन एंट्रेंस के बेस पे रखी गई हैं, लेकिन
BHU को लेकर अभी सीटों का खुलासा नहीं किया क्योंकि BHU ने अपना प्रोस्पेक्टर अभी अपलोड नहीं किया है वेबसाइट पर, तो BHU की सीटों को लेकर सवाल मत करिएगा, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे अगर सूचना आती है तो। BBA यूनिवर्सिटी की सीटों को लेकर जब हमने BBA का वीडियो बनाया था, जब PhD का फॉर्म आया था, लगभग उसका भी एंट्रेंस नहीं हुआ है, उसमें सीटों की संख्या बताई गई है, लेकिन एंट्रेंस और विदाउट एंट्रेंस को इस पे सीटों को वहाँ भी डिवाइड नहीं किया गया है। तो मैं आपको JNU का, DU का और BBA यूनिवर्सिटी की सीटों का जो विवरण का वीडियो मैंने बनाया था, तीनों के लिंक मैं आपको दे दूंगा, दोबारा से उन वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको समय या समझ हो तो। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, फिर से कुछ से इसमें बातचीत आई है, नई बातचीत है। 4 नंबर उन बच्चों को मिलेंगे एक सवाल के जो सही ऑप्शन को टिक करेंगे यानी कि बताएंगे, और 4 नंबर उन बच्चों को भी मिलेंगे जो एक से ज़्यादा ऑप्शन उनको लगते हैं सही हैं और उस सवाल को चयनित करते हैं, तो उनको भी 4 नंबर मिलेंगे, और 4 नंबर उन सवाल के भी मिलेंगे जो टेक्निकल एरर की वजह से आपके हैंग कर जाएगा सिस्टम, ठीक है, और माइनस मार्किंग उस कंडीशन में होगी अगर आप सवाल को छोड़ते हैं तो कोई नंबर ना ही माइनस मिलेगा ना ही प्लस मिलेगा, गलती हो गई। अगर सवाल को छोड़ते हैं या उसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई नंबर ना ही कटेगा ना ही कोई नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप अपने सवाल के जवाब को आंसर के आने के बाद चैलेंज करते हैं, अगर आप अपने सवाल के जवाब के आंसर को आंसर के आने के बाद में चैलेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ₹200 एक सवाल के फीस के रूप में देने पड़ेंगे। ये नियम है, सभी बच्चों पे लागू होता। अगर आपको लगता है कि 5 सवाल आपके ऐसे हैं जो कि गलत पाए गए हैं तो आपको 5 सवाल चैलेंज करने आपको 5 × 2 यानी कि 1000 आपको देने पड़ेंगे। ये सारा प्रोसेस आंसर के आने के बाद में रखा गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। और दूसरी चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको अपना ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सिटी 2 या 4 इसमें ऑप्शन मिल जाएंगी फॉर्म में भरने के लिए, उसको आप देख लीजिएगा। और लगभग भारत के कहाँ कहाँ का सेंटर बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, इत्तफाक रखिए मणिपुर नहीं होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इत्तेफाक से गलत हो गया, मणिपुर भी है, लेकिन मणिपुर में एग्जैक्ट एक ही सेंटर दिया है, इसका ध्यान रखिएगा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में एक एक सेंटर रखा गया है, लद्दाख में भी एक ही सेंटर रखा गया है। उसके बाद उड़ीसा है, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ध्यान रखिएगा। और एक बच्चा 3 सब्जेक्ट में आवेदन कर सकता है, एक स्टूडेंट 3 विषय में आवेदन कर सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपने मान लीजिए आप दिल्ली के DU में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि आपने बुद्धि स्टडी में, आपने हिंदी लिटरेचर में और आपने अडल्ट एजुकेशन में अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन फीस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी और कितनी हो जाएगी उसको जैसे समझिएगा चीज़ को, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको देने होंगे ₹1200, और आप एक सब्जेक्ट में हैं मैं अप्लाई करते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS कैटेगरी में है तो आपको ₹1100 देने पड़ेंगे, और यदि आप SC ST और ट्रांसजेंडर और PWD कैटेगरी में है तो एक विषय में आवेदन करने के आपको ₹1000 देने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि जो बच्चे JRF क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं, उनको तो 700 रुपये मांगे गए थे, DU का जो फॉर्म आया है JNU वाले ने तो लगभग कितना 500 या 800 मांगा था, लेकिन इस वाले फॉर्म में तो फीस डबल के बराबर है। जी हाँ, क्योंकि NTA है बेटा ये, और NTA का दूसरा ही मतलब है इनकम के ट्रांजेक्शन को अर्न करना, दिस इज अ माई डेजिटेशन यानी फुल फॉर्म, कि जो इनकम है उसके ट्रांजेक्शन को अर्न करना, ठीक है, पैसे कमाने के लिए NTA बनाया गया है, ये सच है, कोई कह देता है, कोई छिप के कह देता है, कोई चुप रह के कह देता है, ठीक है। ये तो था एक सब्जेक्ट का। अगर मान लीजिए आपको एक से अधिक विषयों में आवेदन करना है, किसी को मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में आवेदन करना है एक बच्चे को, है ना, वो जनरल कैटेगरी का है, तो उसको देने पड़ेंगे ₹2000, यानी कि 1200 + ₹800, एक सब्जेक्ट के ऐड होने पे आपके ₹800 और देने पड़ेंगे, है ना, जनरल को। मान लीजिए कोई OBC और EWS कैटेगरी का है, उसको एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, तो आपको 1100 + ₹700 आपको भी देने पड़ेंगे ₹1800। कोई बच्चा SC ST ट्रांसजेंडर PWD कैटेगरी का है तो उसको 2 सब्जेक्ट के 1000 + ₹700 देने पड़ेंगे, है ना। अगर मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट में आवेदन करना है तो जनरल कैटेगरी वाले को ₹2800, OBC नॉन क्रिमिनल EWS को भी ₹2800 और SC ST PWD को 1400 + ₹700 यानी कि ₹2400 देने पड़ेंगे, ठीक है।
तीन सब्जेक्ट में आवेदन कर सकता है मैक्सिमम बच्चा, और तीनों यूनिवर्सिटी में से चाहे एक एक सब्जेक्ट को चूज कर ले या एक ही यूनिवर्सिटी में से तीन सब्जेक्ट को चूज कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं कर सकते आप, मान लीजिए आपने दो कोर्स कर दिए BHU के अप्लाई, दो कोर्स JNU के, दो DU के, दो BBA यूनिवर्सिटी, तो आपके आठ सब्जेक्ट हो गए। तो आठ सब्जेक्ट की कंडीशन में आपको तीन फॉर्म भरने पड़ेंगे, तीन, आठ सब्जेक्ट है क्योंकि एक ही पेपर में फॉर्म में आप तीन सब्जेक्ट भर सकते हैं, तो आपको लगभग तीन फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो आपको तीन फॉर्म की अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, है ना। तो उससे अच्छा है कि एक ही कोर्स को आप तीन यूनिवर्सिटी में भर दीजिए, या फिर एक ही यूनिवर्सिटी में तीन कोर्स भर दीजिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं एक कोर्स को मैं अधिक जगह, तो एक कोर्स को दो यूनिवर्सिटी में भर दीजिए और एक कोर्स को एक यूनिवर्सिटी। पैसा कम से कम बताइए, क्योंकि एग्जामिनेशन मान लीजिए एक ही दिन दो सब्जेक्ट का पड़ गया तो एग्जाम छोड़ना पड़ेगा फिर आपको, या फिर आपका एक ही शिफ्ट में दो यूनिवर्सिटी का एग्जाम पड़ गया तब क्या करेंगे, समस्या की बात है ना। तो इस चीज़ को बचिएगा और बहुत सोच समझ के फॉर्म को भरिएगा, इसका मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और कोई जानकारी अगर मुझसे छूट गई हो, रह गई हो, तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लगभग 15 मिनट का हो चुका है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेट्स वगैरह है, सेंटर वगैरह है, फीस मैंने आपको बताई दी, हेल्पलाइन नंबर आपको बता दी, फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म का क्राइटेरिया क्या है, सिनॉप्सिस मांगा गया है कि नहीं, PPT लगानी है कि नहीं, SOP मांगा गया है कि नहीं, और ये सब जानकारी फॉर्म भरने को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ आपके सवालों को भी लेंगे। आपने वीडियो का पार्ट वन और पार्ट टू में जो भी सवाल दिए हुए कमेंट बॉक्स में, मेल में, उन सभी सवालों को लेंगे थर्ड वाले वीडियो में, और फॉर्म कैसे भरना है, कौन से सावधानी बरतनी है, उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेम मोड पे रखिए, सुरक्षित कर लीजिए, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको तकलीफ समस्याएं ना हो। और कोई और अपडेट आता है इस विश्वविद्यालय का नया, आपको बता देंगे। साथ ही साथ में इन चारों ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए, DU, JNU, BHU और BBA की वेबसाइट पर कोई नया अपडेट आता है तो आप भी शेयर करिएगा। पुनः आप सभी ने वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शायद।